तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि झोटवाड़ा में बीजेपी की कम होगी मुश्किल। एक बागी प्रत्याशी झोटवाड़ा से ले सकते हैं नामांकन वापस। आज शाम को कार्यकर्ताओं की बैठक में ऐलान कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। देखिए, जो बागी प्रत्याशी है वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में ऐलान भी हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए, जो बागी प्रत्याशी है वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में बड़ा ऐलान हो सकता है, क्या अपडेट अभी? जी बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की डैमेज कंट्रोल की जो कवायद थी वो सिरे चढ़ते हुए नजर आ रही है और इसकी पहली खबर जो है वो झोटवाड़ा से निकल रही है। बताया जा रहा है कि झोटवाड़ा में बीजेपी के एक जो बागी प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन कर दिया था वे जो है अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। आज शाम को उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक जो है वो बुलाई है और उस बैठक में वो ऐलान कर सकते हैं। संभवतः बीजेपी का कोई बड़ा नेता, संभवतः कोई केंद्रीय मंत्री जो है वो इस बैठक में शामिल हो सकता है और वहां पर ये जो है वो ऐलान कर सकते हैं कि वो अपना नामांकन जो है वो वापस ले सकते हैं। तो झोटवाड़ा में जो केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए एक बड़ी राहत के रूप में ये खबर जो है वो निकल कर आ रही है। शाम को 4 बजे ये बैठक जो है वो प्रस्तावित है और उस बैठक में जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो बागी प्रत्याशी हैं वो ये ऐलान कर सकते हैं कि बीजेपी के समर्थन में वो अपना नामांकन जो है वो वापस लेने वाले हैं। तो ये झोटवाड़ा में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए एक बड़ी राहत की खबर लेकर सामने आ रही है, जो संभवतः शाम को 4 बजे इसका ऐलान भी हो जाएगा। बिल्कुल सौरभ, अब 4 बजे का इंतजार है जब ऐलान किया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।